नमस्ते आप सब श्रोताओं को। आज आपका 150वीं दिन का ईश्वर वरदान। और इस वरदान में आगे जाने से पहले हम इस लिंक पे जाएंगे जहाँ कर आप जा करके योगासन, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइट और सोने की कला सब कुछ सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ें। आज का ईश्वर वरदान परमपिता परमात्मा आज पवित्रता पर सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, और इस पवित्रता के द्वारा ही घर बार में या किसी भी संबंध में सुख शांति हो सकती है। तो इसके बारे में और गहराई से जानेंगे। तो आज के वरदान में परमपिता परमात्मा कहते क्या हैं? बाबा कहते हैं, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। नंबर 1 अधिकारी, लेकिन उसका आधार क्या है? पवित्रता, प्योरिटी। विस्तार में चलते हैं। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है कि हम हस्बैंड वाइफ होकर के प्योर रहेंगे आपस में, या हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे, या हम शादी नहीं करेंगे, सिर्फ वो नहीं है। परमात्मा और गहराई में लेके जाएंगे हमें। उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है, ऑटोमेटिकली होती है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी या माता कहते हैं। पवित्रता का आधार लेने में नंबर 1 रहना, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। मतलब कि अगर आप लास्ट में भी आए हैं, आपने मेडिटेशन लास्ट में आके सीखी है, काफ़ी साल हो गए, आपने सोचा करेंगे मेडिटेशन सीखेंगे, लेकिन काफ़ी साल हो गए, उम्र हो गई आपकी, आप 60 वर्ष के, 50 वर्ष के हो गए, और आप सोच रहे हैं कि अब क्या करें, सारा जीवन तो निकल गया, काश बचपन में ज्वाइन किया होता, काश थोड़े बालकाल में किया होता तो और अच्छा कर पाते। लेकिन परमात्मा कहते हैं, अगर आपने पवित्रता को ठान के रखा है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब पवित्रता किस प्रकार की है? परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, कि ब्रह्मा के आचरण में चढ़ना, वो पवित्रता है। ये नहीं कि आपने काम विकार छोड़ दिया, लस्ट को छोड़ दिया तो आप ब्रह्मचारी हो गए। परमात्मा कहते हैं वो सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मा के आचरण में चलना। ब्रह्मा मतलब एडम। परमात्मा ने एडम को कैसे बनाया था? वो औरों के अंदर कमी कमजोरियां, खामियां नहीं देखने वाला, किसी की कमी कमजोरियों को फैलाने नहीं वाला, किसी को ना टॉन्ट करने वाला, किसी की कंप्लेन ना करने वाला, किसी की कमी कमजोरी को देख करके उसको नीचे नहीं गिराने वाला। परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ भी आ जाता है पवित्रता में। तो परमात्मा कहते हैं अगर आप सुख शांति चाहते हैं, किसी घर में भी अगर सुख शांति चाहिए तो हमें पवित्रता चाहिए। उसका मतलब ये नहीं सिर्फ हस्बैंड वाइफ सिर्फ ब्रह्मचर्य में रहे, पवित्रता में रहे तो हो गया, लेकिन एक दूसरे के अंदर खूबियां देखें, एक दूसरे के अंदर अपवित्रता ना देखें। कलयुग में स्पेशली हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी है, लेकिन अगर हम एक दूसरे की कमी कमजोरी पॉइंट आउट करते हैं, फिंगर आउट करते हैं, तो उसके कारण अपवित्रता फैलती है घर बार में, और उसके कारण घर में शांति नहीं होती, सुख नहीं होता, तो ये भी एक अपवित्रता हो गई। परमात्मा कहते हैं अगर हम किसी की कमी कमजोरी देख करके, वो भी कब देखते हैं हम कमी कमजोरी? जब हम कोई इच्छाएं रखते हैं, जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती, जब हम कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती हमारी, कुछ चाहते हैं हम एक दूसरे से लेकिन वो नहीं होता, तो हम एक दूसरे ऊपर पॉइंट आउट करते हैं फिंगर, और ज़्यादातर उसमें हम एक दूसरे की कमी कमजोरी देखते हैं और उसमें ही झगड़े शुरू होते हैं। तो अपवित्रता वो भी हो गई, तो सुख हुआ नहीं हुआ, शांति हुई नहीं हुई। तो परमात्मा कहते हैं इसके लिए अपने आप को परमात्मा से जोड़ के रखो, ताकि हमारी सारी इच्छाएं परमात्मा पूर्ण करें, हम एक दूसरे से इच्छा ना रखें, क्योंकि इच्छा जितनी रखेंगे वो अच्छा बनने नहीं देगी। अच्छा बनना मतलब कि हमें पवित्र बनने नहीं देगी। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम पवित्रता में सिर्फ ब्रह्मचर्य सिर्फ वो नहीं, हम आपस में रहते हुए भी पवित्र रहें, और एक दूसरे के प्रति सोच भी हमारी पवित्र हो, एक दूसरे के हम अंदर हीरे देखें, मोती देखें, ना कि कंकड़ देखें, पत्थर देखें, मतलब गुण देखें, अवगुण ना देखें। तो कंप्लेन करना, किसी को गिराना, किसी को बुरा भला बोलना, किसी की कमी कमजोरी को पिन पॉइंट करना, टॉन्ट करना, ये सारी चीज़ें भी अपवित्रता में आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके अंदर कोई भी कुछ भी कहे, चाहे कोई व्यक्ति हो आपको बोले या चैलेंज करे कि आपके अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, आप तो ऐसे हो वैसे हो, लेकिन आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना है, आपको अपवित्र नहीं बनना है, आपको रिवर्ट बैक नहीं करना है, आपको वापस रिस्पॉन्स में उसकी कमी कमजोरी नहीं दिखानी, ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो फिर क्या होगा, आप आग के अंदर और तेल डालोगे। परमात्मा कहते हैं चाहे प्रकृति, प्रकृति मतलब ये शरीर भी एक प्रकृति है, चाहे प्रकृति हो, ये होगी ब्रह्मचर्य की बात भी आ गई, शरीर का आकर्षण, ये प्रकृति का आकर्षण, 5 तत्व की बनी हुई ये जो प्रकृति है, इसका आकर्षण भी क्या करता है, हमारे ब्रह्मचर्य को भंग करता है,
ये उस ब्रह्मचर्य की बात हो रही है। प्योरिटी की बात हो गई, एक दूसरे के अंदर कमी कमजोरी नहीं देखना, हर एक के अंदर अच्छाइयाँ देखना, वो एक हो गई प्योरिटी। ये दूसरी है ब्रह्मचर्य वाली प्योरिटी। तो प्रकृति का आकर्षण होना, किसी की प्रकृति खूबसूरत है, किसी का शरीर खूबसूरत है, उसके आकर्षण में फंसना और गिरना। तो आत्मा से तो प्यार करना नहीं सीखा, उसके शरीर से सिर्फ प्यार किया, वो भी झूठा प्यार है। परमात्मा कहते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी हिलाए लेकिन धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। चाहे जितनी भी परिस्थितियां, कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई, चाहे प्रकृति आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए सिचुएशन, लेकिन धरत छोड़िए लेकिन धर्म ना छोड़िए। धरत मतलब ये शरीर छोड़ देंगे लेकिन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं ना, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम मुसलमान पैदा हो तो मुसलमान रहेंगे, हम हिंदू पैदा तो हिंदू रहेंगे, हम कृष्ण तो हम कृष्ण ही रहेंगे। परमात्मा कहते हैं, वो तो शरीर के धर्म हो गए, लेकिन सच्चा धर्म है पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, खुशी और साथ ही साथ शक्ति। ये सारी चीज़ें ही हमारे अंदर हमें धार्मिक बनाती हैं। किसी भी एक चीज़ की कमी हो जाए इन चीज़ों में से, सातों में से, तो हम धार्मिक इंसान नहीं हैं। हम चाहे जितना भी पाठ पूजा करें, चाहे जितना भी मंदिर में चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, लेकिन अगर ये भी चीज़ हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, पवित्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, शक्ति नहीं है जो कि देने वाला परमात्मा है, तो हम धार्मिक नहीं है। तो हमारे सारे कर्म उल्टे होते हैं। तो धर्म कौन सा है? तो वो धर्म सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी का धर्म नहीं छोड़ना है, चाहे शरीर छूट जाए। तो आज का यही शुरू वरदान, गहराई से सोचिएगा और अपने जीवन में सुख शांति लाने के लिए, परिवार में सुख शांति लाने के लिए पवित्रता को अपनाइएगा। इसके साथ में आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति।